भाभी जी, बाहर दिवाली की इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं, हमारी क्या तैयारी है? अरे तीजा के पटाखे लेके आए थे, शाम को पटाखे फोड़ेंगे, मिठाइयाँ वगैरह घर में खाएंगे, फिर पटाखे फोड़ेंगे, लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ दिवाली है। बाजियाँ होंगी, आतिशबाजियाँ, ताकि सोसाइटी वालों को भी पता चले खन्ना फैमिली कैसे सेलिब्रेट करती है फेस्टिवल्स को। राजेश, आज दिवाली है तो आज का क्या प्लान है? मैं सोचा था इस बार हम चाइनीज प्रोडक्ट का यूज ना करके दियो और फूलों से जो सजाएं। सही बात है। अरे हाँ, आज तो हमें शर्मा जी के घर भी जाना है। हाँ, और मैं भी ये सोच रही थी ना कि मंदिर चलते हैं, गरीब बच्चों को कपड़े और मिठाइयाँ बांट देंगे, फिर उसके बाद हम लोग साथ त्यौहार मना लेंगे। मैं भी ये सोची थी कि इस बार दिवाली पे हम लोग पटाखे ना जलाएं, क्योंकि पटाखे जलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। और राबिया को कौन समझाएगा ये चीज़? हमारी बेटी समझदार हो, समझ जाएगी। हाँ, समझ जाएगी, आने वाली होगी। हाय मासी, हाय बुआ। हाय गई खास। तो बाहर तो पटाखे नहीं बिक रहे, तो आज का हमारा शाम का क्या प्लान है? नहीं बेटा, इस बार हम लोग पटाखे नहीं जलाएंगे दिवाली पे, क्योंकि पटाखे जलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, और पिछली बार भी पटाखे जलाने से इतना पॉल्यूशन हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पटाखों पे बैन लगा दिया है। फिर शाम को क्या करेंगे हम लोग? शाम को हम शर्मा जी के घर जाएंगे, फिर उसके बाद हम मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके गरीब बच्चों में मिठाइयाँ कपड़े बांटेंगे, उनके साथ त्यौहार मना लेंगे। अच्छी बात है, हम पटाखे ना यूज़ करके हम मिठाइयाँ और गिफ्ट्स गरीब बच्चों को बांट देंगे। बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे पटाखे नहीं मिठाई दिलाई है। अगर तुम लोग प्यार करते हैं तो उसके हाथ में पटाखे नहीं मिठाइयाँ देते। अगर पटाखे तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखे हैं, आप लोग कैसे पटाखे चला रहे हैं? चलो प्लीज डू नॉट यूज कर्स। चलो मम्मी, चलो मासी। Wish you a very happy and safe Diwali.